वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में स्टोर्ड एंड ऑनलाइन पिक्चर को या इमेज को कैसे कॉपी पेस्ट किया जाता है या कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा, जैसा कि यहाँ पर ओपन है। उसके बाद में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पिक्चर को कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। पिक्चर को कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक तो मान लीजिए ये वाला इमेज का पेस्ट करना है, तब इसको कॉपी करेंगे। उसके बाद में इस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। इसको मूव कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले मूविंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे ताकि पिक्चर मूव करा सकें और अपने हिसाब से सेटिंग कर सकें। दूसरा, यहाँ पर ये ऑनलाइन पिक्चर है कोलकाता सिटी का। यहाँ से आप कोई भी इमेज को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए इस वाले इमेज को कॉपी करना है, तब कॉपी इमेज करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी के साथ में, जैसा कि यहाँ पर ये पेस्ट हो चुका है। पिक्चर को इधर उधर मूव करा सकते हैं। ये तो हो गया कॉपी एंड पेस्ट। अब उसके बाद में क्या करेंगे, पिक्चर को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक्चुअली इस वर्ड डॉक्यूमेंट में कई ऑप्शन है, इंसर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस इंसर्ट वाले ऑप्शन में एक पिक्चर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब इस पर एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब दो ऑप्शन दिखाई देगा। एक तो दिस डिवाइस, मतलब इस डिवाइस में स्टोर्ड पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, और दूसरा ऑनलाइन पिक्चर। पहले दिस डिवाइस में जाकर यहाँ पर बहुत सा पिक्चर है, आप कोई भी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। पिक्चर मूव हो नहीं रहा है तो पिक्चर मूव वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो पिक्चर मूव होने लगेगा। एक और देख लेते हैं जो कि ऑनलाइन कैसे इंसर्ट करते हैं। ऑनलाइन के लिए क्या करना होगा, ऑनलाइन के लिए इंसर्ट वाले पर जाएंगे, पिक्चर में ऑनलाइन पिक्चर। यहाँ पर जिस चीज का पिक्चर अपलोड करना है वो चीज लिखेंगे, उससे रिलेटेड मान लीजिए इंडिया गेट का पिक्चर अपलोड करना है, तब इंडिया गेट क्लिक करने के बाद में इंटर करेंगे, लिखने के बाद में इंटर करेंगे। अब यहाँ पर इंडिया गेट का पिक्चर दिखाई दे रहा है, आप अपने हिसाब से जो भी पिक्चर अपलोड करना चाह रहे हैं या इंसर्ट करना चाह रहे हैं उस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक पिक्चर सिलेक्ट है, अगर मान लीजिए आप दो पिक्चर सिलेक्ट कर लेंगे तब दो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा, एक पिक्चर सिलेक्ट करेंगे तब एक पिक्चर इंसर्ट होगा। तो यहाँ पर ये वाला पिक्चर सिलेक्ट किए हैं, उसके बाद में इंसर्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पिक्चर इंसर्ट हो चुका है। इस पिक्चर को आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं साइज में, इसको भी मूव वाले ऑप्शन में जाकर मूव सेटिंग कर सकते हैं और पिक्चर को मूव करा सकते हैं। अपने हिसाब से कहाँ पे रखना है वो आप सेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में स्टोर्ड एंड ऑनलाइन पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं या कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।